निरीक्षण वैदिक धर्म संस्थान द्वारा विश्व पूजा का आयोजन बहुत ही श्रद्धा आग्रह में किया गया। इस अवसर पर दक्षिण भारत के बेंगलुरु में स्थित एक विज्ञान महाविद्यापीठ है सही आचार्य स्वामी ब्रह्म चैतन्य जी तथा वेद पंडित चेतन प्रकाश प्रभात द्वारा पूर्ण विधि विधान व संस्कृत मंत्रोच्चारण के द्वारा रुद्राभिषेक सम्पन्न हुआ। स्वामी ब्रह्म चैतन्य जी ने बताया, रुद्र पूजा भारत में प्राचीन काल ऐसी ही चली आ रही एक प्रथा है। रुद्र का अर्थ है सिर्फ परोपकारी दुख कष्ट करता, पूजा का अर्थ है जो पूर्णता ऐसा ही पैदा हुआ हो। रुद्राभिषेक ऐसा ही सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और नकारात्मकता दूर होती है। जब हम भगवान शिव ऐसा ही प्रार्थना करते हैं तो रूप अवसाद और दुख के रूप में नकारात्मक ऊर्जा शांति समृद्धि और आनंद में परिवर्तित हो जाती है। फिर यह सकारात्मक ऊर्जा तीनों स्तरों शरीर मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका संगीता अग्रवाल ने बताया, सावन के महीने में शिव की पूजा करने का बड़ा महत्व है। कोई यह कह सकता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सावन का महीना ही जरूरी है क्या? यह बात ठीक है, आप किसी भी महीने में शिव का ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन मुनियों ने बताया है कि किसानों को यदि पता चल जाए कि वर्षा कब होनी है तो वह बीज बोएगा। बीज बोने के बाद यूज ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यही बात सावन के लिए है, इसलिए अनादिकाल ऐसे ही सावन में रुद्र पूजा का महत्व चला आ रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के सदस्यों और भक्तों ने रुद्र पूजा रुद्राभिषेक सिंदूर आरती एवं सत्संग का भरपूर आनंद लिया।